हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक कुरुजी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 के नोट्स की करेंसी को जो बैन किया है, तो इससे क्या हुआ, इससे सारे लोग एटीएम की मशीन के बारे में जानकारी लेने चले हैं। पिछले बार भी सब एटीएम बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं बट उनको कुछ वर्किंग उसका मैकेनिज्म पता नहीं है। बट कुछ पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो, मतलब जो भी लोग हैं वो गूगल पे बहुत सर्च कर रहे हैं कि एटीएम मशीन का वर्किंग ऑपरेशन क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे पैसा निकलता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी एटीएम मशीन के बारे में जो भी कुछ डाउट है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो पहले बताता हूं दोस्तों, एटीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वही ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो हमें पैसे निकालता है। दोस्तों, अब ये एटीएम मशीन अपने आप तो नहीं चलता होगा दोस्तों, इसको भी कोई पुश चाहिए रहता है या फिर इसको भी कोई होस्ट चाहिए रहता है दोस्तों। अब ये बैंक के थ्रू तो डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो ये दोस्तों, ये एटीएम मशीन ना एक होस्ट रिसीवर के मतलब मदद से ये काम करता है। अब होस्ट रिसीवर किसके मदद से काम करेगा, होस्ट रिसीवर उस बैंक के मदद से काम करेगा। जैसे बीच में समझो मैं हो गया होस्ट रिसीवर, और समझो ये कवर्ड हो गया एटीएम, और ये वाला कवर्ड हो गया हमारा बैंक। तो ये मुझे समझो ऐसे एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब जो भी कुछ नेटवर्किंग के थ्रू, तो मैं वो नेटवर्किंग के थ्रू अपने एटीएम्स को काम करूंगा। मतलब ये जो कवर्ड है मैं इसको मतलब अभी देखो खोल रहा हूँ, तो मुझे ये जो समझो ये मुझे खाना दे रहा है, ये खाना दे रहा है तो मैं इसे खोल पा रहा हूँ। तो बैंक का भी वैसे, ये बैंक इसको नेटवर्क सप्लाई करता है एक होस्ट रिसीवर को, और होस्ट रिसीवर उस एटीएम के थ्रू मतलब अपना एटीएम चालू रखता है दोस्तों। अब एटीएम में क्या होता है, एटीएम में बेसिकली दो इनपुट सर्विस रहता है, डिवाइसेस रहता है, और चार आउटपुट सर्विस रहता है। इनपुट में क्या रहता है, इनपुट में क्या रहता है, जो हमारा कार्ड हम प्लेस करते हैं जिसे हम कार्ड रीडर कहते हैं, वो एक इनपुट हो गया, और दूसरे में कीबोर्ड हो गया कि हम ही वही इनपुट करने वाले हैं। और आउटपुट में हो गया दोस्तों हमारा कैश डिस्पेंसर हो गया, रिसीप्ट हो गया जिससे हम अपना रिसीप्ट लेते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन हो गया और स्पीकर हो गया दोस्तों। ये चार आउटपुट सोर्सेस हैं और दो इनपुट सोर्सेस हैं। कार्ड रीडर में कैसा है, आपको अपना कार्ड नॉर्मली प्लेस करना है। जनरली पहले कैसा होता था, कार्ड प्लेस करो, वो एनएफसी के थ्रू एक सेंसर होता है, एनएफसी के थ्रू आपके कार्ड को सेंस करता था। आप अपना कीबोर्ड पे अपना एटीएम का पिन टाइप करिए और फिर आउटपुट का सर्विस चालू होता था। अब आउटपुट का सर्विस की बात करूं तो दोस्तों, आउटपुट का सर्विस में पहले तो आपको कीबोर्ड पे जो भी स्पीकर, आप कीबोर्ड पे समझो अपना पिन टाइप करते हैं तो कीबोर्ड में से वॉइस आता है, सो यू वांट कैश विड्रॉवल और समथिंग एल्स लाइक दैट समथिंग। तो ये बेसिकली कैसा था, हमारे जो पुराने जमाने के मतलब करीबन 5-6 साल पहले एटीएम ना ऑडियो भी निकलता था दोस्तों। अब ऑडियो भी जैसे कि आप सुन सकते हैं दोस्तों कि दिस एटीएम इज नॉट वर्किंग, इट्स टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस और समथिंग लाइक दैट ओनली, द एटीएम मशीन कीप्स ऑन टेलिंग टू अस। तो ये भी ऑडियो रहता था। अब के जमाने में ऑडियो का तो उतना कुछ खास इफेक्ट रहा नहीं। अब स्पीकर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले में हमको सब दिखाता है कि हमको कैश विड्रॉवल करना है, सेविंग्स अकाउंट से लेना है, करंट अकाउंट से लेना है, क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है अकाउंट का। तो ये डिस्प्ले पे होता है दोस्तों, जो भी हम पिन टाइप करेंगे वो डिस्प्ले पे वो रिकॉर्ड होगा। और कैश डिस्पेंसर, पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट की, फिर कैश डिस्पेंसर की बात करेंगे। अब रिसिप्ट में जनरली होता क्या है दोस्तों, हम समझो कुछ भी, हम लोग सब लोग 2000 रुपया निकाला हमने एटीएम मशीन से, तो 2000 रुपया तो निकल गया। अब उसके साथ हमको रिसिप्ट पूछता है कि आपको रिसिप्ट चाहिए क्या। सपोज कभी कभी हमारे एटीएम से 2000 रुपया नहीं निकलता है पर रिसीप आ जाता है, तो वो रिसीप एक तरीके का प्रूफ रहता है आपके पास कि आपने एटीएम मशीन से तो पैसे निकाले लेकिन पैसे नहीं आए, आपके पास प्रूफ है वो रिसीप। वो आप रिसीप लेके उस रिस्पेक्टिव बैंक में जाइए, वो आपका चेक करेगा सब कुछ कि क्या है कैसे है, और वो उसके थ्रू काम करेगा और देखेगा कि हाँ ये सही बंदा है, इसको अकाउंट में से मतलब वो एटीएम से 2000 रुपए नहीं निकले, हमको इसको वापस 2000 देना है। अब आपके रिसीप से तो होगा नहीं काम, तो जो एटीएम मशीन रहता है जो कि आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, वो एटीएम मशीन का कैसा रहता है, वो एटीएम मशीन का जो रिसिप्ट निकलता है ना, वो एटीएम मशीन के अंदर भी दोस्तों एक रिसिप्ट का जर्नल या फिर एक डायरी टाइप कर सकते हैं। वो डायरी मतलब जो जर्नल रहता है वो आपको बाहर तो रिसिप्ट देता ही है, वो अंदर भी उस रिसिप्ट को एक स्टोर करता है, और वो करीबन 2 साल तक स्टोर रहता है दोस्तों। मतलब करीबन समझो आज मेरा रिसिप्ट आया और मैं 10 दिन के बाद सो के उठ रहा हूँ कि नहीं मुझे बैंक जाना है यार, मेरा तो 2000 रुपया अटका हुआ है, तो 10 दिन के बाद भी जाएंगे अगर वो रिसिप्ट लेके तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो एटीएम में जो रिसिप्ट है वो दो साल तक आपका रिसिप्ट रहेगा। मतलब समझो आप 2 साल से 10 दिन पहले जा रहे हैं दिखाने के लिए, 1 साल पुराना, तो भी आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया रिसिप्ट के बारे में। अब कैश डिस्पेंसर की बात करूं दोस्तों, तो जो एटीएम मशीन रहता है दोस्तों, अब वो कैश कैसे निकलता है, जो 4 सेक्शंस रहते हैं, एक 100 का 2 सेक्शन रहता है, एक 500 का रहता है, एक 1000 का सेक्शन रहता है दोस्तों। अब जैसे कि 500 और 1000 के नोट बैन हो चुके हैं इंडिया में, मतलब जो पुराने नोट बैन हो चुके हैं, तो जो नया 500 का नोट आया दोस्तों अभी तक छप के आया नहीं है, और नया जो 2000 का नोट आया है वो 1000 के नोट से थोड़ा सा बड़ा है। अब वो जो सेक्शन रहता है ना दोस्तों,
जिसमें 2000 का नोट फीड किया जाता है, अब वो 2000 का नोट बड़ा है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये, अगर समझो मैं 2000 टाइप करता हूँ, 2000 का नोट उठा ही नहीं पाएगा दोस्तों, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये इसमें 2000 का नोट है, क्योंकि उसको उस तरीके से बनाया गया है कि वो 1000 के नोट के साइज को, अगर आप 1000 टाइप करते हैं तो उस अकॉर्डिंगली एटीएम का मशीन अंदर जाके वर्क करता है, देखता है हाँ दिस, मतलब ये सेक्शन से आप 1000 का नोट उठाइए और बाहर डिस्प्लेस करिए दोस्तों। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक एटीएम मशीन से 2000 रुपए हम निकाल विड्रॉ कर सकते हैं। अब 100-100 का तो दो ही सेक्शन रहता है और करीबन वो दो सेक्शन को मिला के अगर रहेगा ना तो करीबन 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक रहेंगे दोस्तों, वो सिर्फ 100-100 के दो सेक्शन। और 500 में आप 1000 के सेक्शन नहीं डाल सकते क्योंकि 500 का नोट बड़ा है, 100 का नोट छोटा है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तीसरे सेक्शन में, पहला दूसरा सेक्शन खत्म, तीसरे और चौथे सेक्शन में आप 100-100 का बंडल भर दीजिए तो भी कुछ वेस्ट ऑफ मतलब पैसा, मतलब वो वेस्ट ही है क्योंकि वो उठाए डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि इसमें 100-100 का नोट है। अब वो 100 का नोट ऊपर उठाएगा तो करीबन 8 से लेकर 10 लाख, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो दो सेक्शन का मिला के रहेगा। समझो एक आदमी 2000 भी निकालता है तो 500 आदमी को 5 × 10 तो 500 आदमी 10 लाख रुपए निकाल देंगे, तो 1000 लोग अभी जैसे कि लाइन में लग रहे हैं एटीएम मशीन में। तो दोस्तों देखिए, अगर 500 से ज्यादा लोग हैं तो आप मत जाइए लाइन में, और अगर एटीएम मशीन में वो 2000 के नोट आ चुके हैं वो सब पुराने नए जो एटीएम मशीन में, तो आप जाइए जरूर से जरूर एटीएम मशीन में, देखिए अगर 2000 के नोट निकलते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा है। अब ये तो हो गया कैश डिस्पेंसर के बारे में दोस्तों कि कैसे कैश निकलता है, कैश निकल गया आपका वो वेट के हिसाब से रहता है, टाइप करेंगे जो भी तो निकल गया दोस्तों। दोस्तों ये जो रहा कैश डिस्पेंसर के बारे में, जो भी सारे इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बताया कि कैश डिस्पेंसर के कैसे कैश निकलते हैं। अब दोस्तों एटीएम का यूज क्या है, अब बहुत सारे लोग के पास ऐसा है कि अकाउंट ही नहीं है, अब उनको क्या पता भाई एटीएम क्या होता है, कैसे मतलब एटीएम मतलब होता है, क्या कर सकते हैं एटीएम। अब दोस्तों से समझो जी, मेरे पास 10000 रुपए है, मेरे पास एटीएम का कार्ड नहीं है, अब मैं कहीं गया, मेरे 10000 रुपए सारे खर्च हो गए, अब मेरे पास एटीएम का कार्ड ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा दोस्तों, मुझे घर भी जाना तो मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब तो इसमें क्या होता है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप उधर ही बैठिए या फिर किसी से उधार ले लीजिए कि भाई मुझे दे दीजिए 10 रुपए, मेरे को घर जाना है 10 रुपए का रिक्शे के लिए। अब एटीएम के फायदे क्या है, अब एटीएम से समझो आपके पास 1 रुपए भी नहीं है दोस्तों आपके पास, लेकिन अब ऐसे सिस्टम आ गया है कि आपको गली गली में एटीएम मशीन मिलेंगे। एटीएम मशीन से होगा क्या, उस बंदे के पास तो 10000 रुपए एक, भले ही घर में करोड़ों रुपया हो लेकिन घर जाके तो लेना पड़ेगा। अब एटीएम मशीन है तो उससे क्या, आप कोई भी एटीएम में जाके 10000 20000 मतलब मैक्सिमम 20000 निकाल सकते हैं, 10000 20000 के कम से कम आप निकाल तो पाएंगे दोस्तों। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं, बट मेरे पास एटीएम है तो मैं कैसा निश्चिंत होकर जाऊंगा, भाई मेरे को तो कुछ टेंशन नहीं है, मेरे पास एटीएम मशीन है तो मेरा तो काम बन गया, मैं तो जाऊंगा कहीं से भी एटीएम मशीन से 10000 रुपए निकालूंगा दोस्तों। तो ये एटीएम का बहुत ही अच्छा यूज है, और मैं सबको चाहूंगा कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपना जाके बैंक में एक अकाउंट खुलाइए, क्योंकि बहुत ही बैंक का अकाउंट बहुत ही जरूरी है आज के जमाने के लिए दोस्तों, बिकॉज अब कैश कोई नहीं रखता जल्दी, तो आप जाइए बैंक में अपने खाते खुलाइए, बहुत सारे सुविधा भी निकले हैं, बहुत गरीब लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे खाते के खुले हैं। तो दोस्तों ये रहा एटीएम मशीन के बारे में, आपको सब टॉप से लेकर बॉटम तक सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिए है। अच्छा करता हूँ आपको जिस लोग भी ये वीडियो देखेंगे एटीएम मशीन के बारे में, उनके आज सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एटीएम मशीन का मैकेनिज्म क्या है, वर्क कैसे करता है, यूज क्या है एटीएम मशीन का, सारे के सारे आपके डाउट जो भी चिंता है मतलब एटीएम मशीन के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपको इस वीडियो में मिल गया हो। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, फिर कुछ कमेंट करना चाहते हो, सुझाव करना चाहते हो इस चैनल के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, मैं जरूर से जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा दोस्तों। अभी टेक गुरुजी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए मेरा चैनल, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। देखते रहिए अभी टेक गुरुजी, तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।